जिनको ज्यादा मीठा पसंद है ना यार, ये उनके लिए जन्नत है। यहाँ पर इतनी वैरायटी है ना मीठे के लिए। मैं मेरी सेहत का राज यही है, हमारी मिल्क शॉप हमारे घर। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम आपने देखी यूट्यूब पे देखा था, पप्पू चैनल के पास आए थे तो उधर से हम इनके फैन बन। यार ये भी काफी मजे का है, घर भी बना दिया लेकिन इतना मजे का नहीं होता, ये ज्यादा मजे का है। तो यार मैंने गाजर का हलवा जो है ना वो बहुत मरतबा टेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये जो है इसका भी जायका अच्छा है। और नंबर जो है मैं तो इसे 10 में से 10 देता हूँ। अब दी यार मैं भी 10 में से 10 दूंगा क्योंकि इधर सफाई भी बहुत ज्यादा। अब हम टेस्ट करने लगे हैं रस मलाई। यार ये भी मजे का काफी मलाई, मैंने जितने भी खाई है उसकी मलाई इतनी थिक नहीं होती लेकिन इसकी मलाई भी थिक है और ये बहुत मजे का है। दाल का हलवा, क्या बात है यार, कैसा नाम है दाल का हलवा। यार दाल का हलवा जो है ना यार वो बहुत अच्छा, मुझे तो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आगे से भी इधर ये खाने आऊंगा जरूर। यार मैं भी गरम गुलाब जामुन टेस्ट करने लगो, मैंने पहले अपनी जिंदगी में ठंडे गुलाब जामुन खाए थे लेकिन ये गरम गुलाब जामुन मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा खाने लगा।
यार गरम गुलाब जामुन कैसा है यार नाम है यार गरम ठंडे तो बहुत मरवा गए हैं लेकिन गरम जो है मैं पहली मरवा डेट कर रही हूँ। और आपको ये बता दूं इनकी इसकी जो कीमत है ना वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए है। इसका टेस्ट बहुत आला है ये मैंने फर्स्ट टाइम खाया बहुत मजेदार है घर के लिए भी पैक कर देना। देसी घी का टेस्ट था बहुत अच्छा मजा है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे और घर के लिए भी लेके जाएंगे। यार जिनको ज्यादा मीठा पसंद है ना यार ये उनके लिए जन्नत है यहाँ पर इतनी वैरायटी है ना मीठे के लिए मैं तो आपको जरूर कहूँगा कि यार यहाँ पर आके जरूर टेस्ट करें मुझे तो जायका बहुत अच्छा लगा इनका इतना टेस्टी आया था कि सारा कुछ खत्म हो गया हालांकि मीठे में इतना ज्यादा नहीं खाया जाता लेकिन फिर भी सब कुछ अल्लाह का शुक्र है खत्म हो गया था या नहीं होने दिया। और इनके पास जो है ना 15-16 किस्म की वैरायटियां हैं मीठे की। यहाँ के ओनर अब इनसे पूछते हैं कि यार इनको कितनी देर हो गया यहाँ पर काम करते हुए भैया ना आपको यहाँ पर कितनी देर हो गया काम हम तकरीबन 8 साल से काम कर रहे हैं दूध का हमारी एक दुकान सुल्तानपुरा चौक में सुल्तानपुरा मेन बाज़ार में और वहाँ पे हम 8 साल से दूध का काम कर रहे हैं। अब हमने सेकंड ब्रांच बनाई है अपनी इधर और यहाँ पे हम माशाल्लाह से 8 मन दूध सेल कर रहे हैं। अब यार ये भाई के सवाल पूछते हैं भैया ये असल और नकल दूध में क्या फर्क होता है यार। असल और नकल दूध में दूध की खुशबू आ जाती है दूध असल है कि नकल है दूध की एक अपनी खुशबू होती है इससे इस दूध की पहचान होती है। यार ये कह रहे हैं दूध की असल दूध की जो पहचान है ना उसकी खुशबू है। यार लोग कहते हैं कि भैंसे रखने से बंदा करोड़पति हो जाता है यार आप कुछ कहना चाहते हैं। हम आपने डेली यूट्यूब पे देखा था पप्पू चैनल के पास आए थे तो उधर से हम इनके फैन बन गए तो इतना पसंद है वो घर के लिए भी खोया ले यार मैं घर के लिए भी खोया ले लगाऊं यार भाई एक पाव खोया दे दो।